क्या आप अपना पसंदीदा सब्जेक्ट पूरी लाइफ पढ़ना चाहते हैं? क्या आप कोई भी बात करते समय दो या चार एग्जाम्पल यूं ही चिपका देते हैं? क्या आप थोड़े खुरापाती दिमाग के हैं जो हर बात में क्यों और कैसे ढूंढना पसंद करते हैं? क्या आपको लिखना पढ़ना अच्छा लगता है, चाहे वो नॉवेल हो चाहे कोई तरह की चीज हो, आपको लिखना और पढ़ने का शौक है? क्या आप जो है बाहर घूमने नए नए लोगों से मिलने के शौकीन है? क्या आपके फ्रेंड आपको कहते हैं ज्ञान मत दे लेक्चर मत दे, और वही फ्रेंड जो है एग्जाम वाले टाइम में आपके पैर पकड़ लेते हैं वही ज्ञान और वही लेक्चर सुनने के लिए? क्या आपके फ्रेंड अपनी हर प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना पसंद करते हैं? क्या आप भरी गर्मी में भी पंखा बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करने की क्षमता रखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पीजे पर भी दो या चार लोग तो कम से कम हंसी दें? तो आपके लिए जो जॉब है वो है कॉलेज लेक्चरर। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक करियर ऑप्शन के बारे में जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं, यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जो करियर ऑप्ट कर सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उस करियर ऑप्शन के लिए आपका क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए, मतलब आपकी क्या अभिरुचि होनी चाहिए, क्या आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्या आपका उसको लेकर दृष्टिकोण होना चाहिए, और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, और उस करियर को ऑप्ट करने के लिए जो पहले से इस करियर को ऑप्ट कर चुके हैं उनकी आपके लिए क्या टिप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ टू बिकम कॉलेज लेक्चरर। तो कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो हम डिस्कशन ले रहे हैं वो डिस्कशन का आधार है करंट की एजुकेशन पॉलिसी, करंट का एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है उसके बेसिस पर हम देख रहे हैं कि कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए क्या क्या जो है आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो देखो कि 10+2 यानी कि 12वीं करने के बाद में बच्चा जो है वो कॉलेज में जाता है। कॉलेज दो तरह के होते हैं, एक होता है डिग्री कॉलेज, एक होता है प्रोफेशनल कॉलेज। ठीक है, तो प्रोफेशनल कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, कोई परीक्षा आपको पास करनी होती है जैसे कि IIT, ठीक है, जैसे कि AIPMT, जैसे CA की परीक्षा होती है, ये आपको एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं, फिर आप इस जो है करियर को इस कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे किस पर, डिग्री कोर्सेज पे। तो इसमें आपको एडमिशन मिलता है आपके 10+2 के परसेंटेज के बेसिस पे, आपने 10+2 कर लिया, फिर उसके बाद में आप कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें आपके क्या परसेंटेज रहे उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपका जो है इस डिग्री कोर्स में सिलेक्शन हो जाता है। इसमें जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता वो फिर प्राइवेट के तौर पर उसको करते हैं या किसी प्राइवेट कॉलेज में करते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के डिग्री कोर्स होते हैं, BSc, BA और BCom, साइंस वालों के लिए BSc, आर्ट्स वालों के लिए BA और कॉमर्स वालों के लिए BCom। इसमें आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो होते हैं उनको पढ़ते हैं, जैसे BSc में जो है वो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेंगे, या केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी, वो जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो आप इसको इसमें पढ़ते हैं। उसके अलावा कंपलसरी हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर आपको पढ़ना होता है। 3 साल का ये कोर्स होता है, 3 साल के कोर्स में आप सारे सब्जेक्ट जो है वो पढ़कर उस डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ही डिग्री कोर्स कंप्लीट करते हैं अब आता है स्पेशलाइजेशन का टाइम, मतलब आपको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करना होता है और उसमें आपको मास्टर करना होता है। तो यहां पर आपको वो सब्जेक्ट चूज करना होगा जिसके आप लेक्चरर बनना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप जो है फिजिक्स की लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको MSc करनी होगी फिजिक्स में। अगर आप म्यूजिक के लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको MA करनी होगी म्यूजिक में। अगर आप अकाउंट के लेक्चरर, अकाउंटेंसी के लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपको MCom करना होगा उसी सब्जेक्ट में। तो इस तरह से आप जो है पहले अप्लाई करेंगे, आपने ये डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आप कॉलेज में जो है मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। यहां पर भी जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो आपके BSc के परसेंटेज, यानी कि आपके BSc, BA या BCom के जो परसेंटेज होते हैं उसके बेसिस पे आपका यहां पर जो है सिलेक्शन होगा। यहां पर भी एक मेरिट लिस्ट बनती है, एक कट ऑफ बनता है, उस कट ऑफ से अगर आपके मार्क्स कम है तो आपका यहां सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है
उसके बाद में ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है, 2 साल का ये कोर्स होता है। इस 2 साल के कोर्स में आपको जो है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 55% मिनिमम लाने होते हैं जनरल कैटेगरी के, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के, रिजर्व कैटेगरी में सारी कैटेगरी आ जाती है, ओबीसी, एससी, एसटी, और जनरल में भी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है वो, तो उनको मिनिमम लाने होते हैं 50% मार्क्स लाने होते हैं, किसके लिए, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए, ठीक है। अब देखो, कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई अगर उनका यहाँ सिलेक्शन ना हो मास्टर डिग्री में, मान लो यहाँ परसेंटेज कम हो, सिलेक्शन ना हो, तो वो क्या करें। तो देखो, या तो आप किसी और कॉलेज में अप्लाई करो, कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो परसेंटेज के बेस ना लेकर वो एंट्रेंस एग्जाम को बेस मानती है, तो वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर जो है आपका मास्टर प्रोग्राम के लिए सिलेक्शन करेगी। जैसे आईआईटी जो है वो ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैम, ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी प्रोग्राम, ठीक है। तो आप ये जैम में अपियर हो सकते हैं, अगर आपने ये जैम एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका एडमिशन आईआईटी कॉलेजेस में हो जाता है, आप आईआईटी से जो है मास्टर डिग्री ले सकते हैं, वो भी 2 साल का ही प्रोग्राम होगा। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं उसकी डिटेल आप आईआईटी की मेन साइट पे जाकर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देता हूं, ठीक है। तो इस तरह से आपने मान लो ये जो है 2 साल का कोर्स कर लिया, आपने जो ये क्राइटेरिया है उसको भी कंप्लीट कर लिया। अब ये क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद में आपको एक और स्टेप से गुजरना पड़ता है, आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, वो टेस्ट कहलाता है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये नेशनल लेवल पर एक एग्जाम होता है, अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो आप जो है कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए जो है एलिजिबल हो जाओगे, बनोगे नहीं, एलिजिबल हो जाओगे। मान लो इसके ऑप्शन के तौर पर आप दूसरा एग्जाम भी दे सकते हैं, वो होता है सेट या स्लेट बोलते हैं जिसको, ये एग्जाम जो है वो स्टेट लेवल पर होता है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम जो है अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप अपने स्टेट में किसी भी कॉलेज में कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल हो गए। मतलब अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो राजस्थान में किसी भी कॉलेज में आप जो है लेक्चरर बनने के काबिल बन गए, अगर आपने सेट क्लियर कर लिया। लेकिन अगर आपने नेट क्लियर कर लिया तो आप पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये पूरी पढ़ाई करने के साथ साथ लास्ट में क्या करना पड़ेगा, नेट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। नेट एग्जाम 2 नाम से जाना जाता है, एक होता है यूजीसी नेट, एक होता है सीएसआईआर नेट, ठीक है। ये नॉन साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए होता है और ये साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें 84 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये सीएसआईआर हो गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। इन दोनों के एग्जाम पैटर्न में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है आइए देखते हैं। देखो, यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे के 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे में ये दोनों पेपर सॉल्व करने होते हैं विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, मतलब बीच में कोई ब्रेक लिए बिना ये दोनों पेपर कंटिन्यूस में सॉल्व करने होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, पेपर किस से रिलेटेड होता है, जनरल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस से रिलेटेड होता है, मतलब आपकी कॉमन इंटरेस्ट क्या है और आपकी अवेयरनेस कितनी है, आपकी जीके कितनी स्ट्रांग है, उस पर बेस होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो ये 100 मार्क का पूरा पेपर होता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो पेपर होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जैसे कॉमर्स आर्ट्स के कोई भी, जो भी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो सब्जेक्ट का पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और उसके हर एक के 2 मार्क्स होंगे, तो ये 200 मार्क्स का हो गया। तो ओवरऑल दोनों पेपर मिलाकर जो है वो 300 मार्क्स के होते हैं, टोटल जो मैक्सिमम मार्किंग होती है वो 300 होते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, पेपर ऑनलाइन बेस्ड होता है, ठीक है। इसी तरह से जो सीएसआईआर नेट होता है वो साइंस के 5 सब्जेक्ट के लिए पेपर कराता है कंडक्ट, जिसमें केमिस्ट्री के लिए केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, अर्थ साइंस और लाइफ साइंस, ऐसे करके 5 सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। इसमें एक ही पेपर होता है, उस एक पेपर में 3 सेक्शन बना दिए जाते हैं, ये भी 3 घंटे का ही पेपर है, ये भी 3 घंटे में ही होता है, ये भी 3 घंटे में होता है, ठीक है। इसमें भी कोई ब्रेक नहीं लिया जाता, इसमें भी कोई ब्रेक नहीं लिया जाता, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो फिक्स नहीं होते, यहां पर बी और सी सेक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है और ए सेक्शन जो होता है
वो जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड का होता है, जनरल एप्टीट्यूड और अवेयरनेस का होता है। ठीक है, ठीक ऐसा ही होता है इसमें पैटर्न भी। अब इसमें जो है हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 25% ऑफ टोटल मार्क, उस क्वेश्चन का जितना मार्क्स है उसके 25% के करीब करीब नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ मार्किंग भी अलग अलग होती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं, और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करते हैं। जनरली सी सेक्शन जो होता है वो सबसे हाईएस्ट मार्क का होता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अगर आप पूरा डिटेल में जाना चाहें तो आप इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये थी नेट के बारे में जो है सामान्य जानकारी। इसके अलावा आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा मैं कि नेट जो होता है, चाहे यूजीसी हो चाहे सीएसआई हो, वो आपसे तीन ऑप्शन मांगता है कि आप नेट जो कर रहे हैं वो लेक्चरशिप के लिए कर रहे हैं या जेआरएफ के लिए कर रहे हैं या बोथ या तीनों के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप लेक्चरशिप पर टिक करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे, अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यानी कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने जेआरएफ के लिए टिक किया है तो आपको जो है अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको रिसर्च की फेलोशिप मिलेगी, और अगर आप बोथ पर टिक करते हो तो आप लेक्चररशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और आपको रिसर्च के लिए जो है फेलोशिप भी मिलेगी। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ अमाउंट मिलेगा पर मंथ जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने आगे के पीएचडी प्रोग्राम के लिए। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। तो आगे आप कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको लगभग 25,000 से 30,000 रुपए देती है, प्रोवाइड कराती है, उसके अलावा हाउस रेंट और दिया जाता है अलग से, ठीक है। तो वो पैसा आप जो है रिसर्च के लिए लगा सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए, कोई पीएचडी प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें ये हेल्पफुल रहता है, ठीक है। इसमें आपको एक जानकारी और दे दूं कि जेआरएफ में जो सिलेक्शन होता है वो जितने भी कैंडिडेट अपियर होते हैं उसका 1% लोग ही जेआरएफ के लिए सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। हमारे बीकानेर में फिजिक्स में जो भुवनेश जी सुथार है वो जो है लगभग कई बार नेट जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं, और लेक्चररशिप में जो है वो 6% लोग जो है वो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने अगर ये क्लियर कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, किसके लिए, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जैसे ही आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद में आपको एक प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और आप जो है वो दो तरह के इंस्टीट्यूशन में जो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो सकते हैं, या तो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। दोनों में सिलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है, क्या है आइए समझते हैं। देखो, अगर आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि पीएससी कब वैकेंसी निकाले। देखो, पीएससी यहाँ पर क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो हर एक स्टेट में हर एक राज्य में उनकी पीएससी होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे अपने राजस्थान में आरपीएससी होती है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही अदर स्टेट में भी उनकी पीएससी होती है। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि कॉलेज में कौन कौन सी पोस्ट खाली है, उसके कितने पद खाली है, उसके बेसिस पे वो पीएससी के थ्रू वैकेंसी निकालती है, और वो वैकेंसी निकालने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। रिटर्न एग्जाम में दो पेपर होंगे, एक जनरल अवेयरनेस का होगा और एक जो है आपके सब्जेक्ट का होगा। दोनों अलग अलग दिन होते हैं नॉर्मली, ठीक है। वो दोनों पेपर के जो है मार्क्स कंबाइन करके जो है टॉप कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, जितने सीट्स है उनके 3 गुना या 5 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उनका होगा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के भी मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, फिर रिटर्न और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे, और उसमें जो टॉप कैंडिडेट होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, फिर उनके नाम जो है वो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिए जाएंगे, मतलब जो कॉलेज डायरेक्टेड होता है उसको वो नाम भेज दिए जाएंगे, फिर वो वहां से जो है उनकी जो है काउंसलिंग करवाकर उनको जो है कॉलेज अलॉट कर देंगे, और इस तरह से आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इसमें जो रिटर्न मार्क्स जो अभी हुआ रिसेंटली पीएससी, उसमें रिटर्न मार्क्स 200 का था और इंटरव्यू जो है 24 मार्क्स का था, ठीक है। तो यहां पर इंटरव्यू का वेटेज जानबूझकर कम रखा गया ताकि मेन वेटेज जो है वो रिटर्न को मिले, ठीक है।
और इसमें बहुत कम परसेंटेज के लोग जो है वो सेलेक्ट होते हैं, मतलब बहुत कम परसेंटेज में लोग सेलेक्ट होते हैं। तो ये था कॉलेज में सिलेक्शन का क्राइटेरिया। अब यूनिवर्सिटी में कैसे सिलेक्शन होता है? यूनिवर्सिटी में देखो, यूनिवर्सिटी खुद में अपने आप में ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है वीसी वाइस चांसलर, वो वैकेंसी निकाल सकते हैं। कॉलेज अपने लेवल पर वैकेंसी नहीं निकाल सकता, कॉलेज आरपीएससी के थ्रू निकालेगा, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर वैकेंसी निकालते हैं। उस वैकेंसी में जितने एप्लीकेशन आते हैं उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि रिटर्न एग्जाम लिया जाए या नहीं लिया जाए, क्योंकि रिटर्न एग्जाम केवल स्क्रूटनी के लिए काम आता है, छटनी के लिए काम आता है। ठीक है, तो जितने भी मान लो तीन पोस्ट है, तीन वैकेंसी है और उनके पास में फॉर्म तीन ही आए, या मान लो पांच ही फॉर्म आए हैं, तो वो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर तीन पोस्ट है और उनके पास में 300 फॉर्म्स आ गए हैं, तो वो पहले क्या करेंगे, रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करेंगे। फिर उन रिटर्न एग्जाम में जो है इस मतलब जितनी पोस्ट है उसका तीन गुना या पांच गुना कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे तीन पोस्ट है तो वो 9 या 15 जनों को सिलेक्ट करेंगे उन 300 में से। ठीक है, उन सिलेक्टेड कैंडिडेट का वो इंटरव्यू करवाएंगे। ठीक है, और इंटरव्यू के साथ साथ उनके एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखेंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड में उनके 10th के क्या मार्क्स है, 12th के क्या मार्क्स है, उनके ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स है, उनके पीजी में क्या मार्क्स है, उन्होंने एमफिल कर रखी है या नहीं, एमफिल के क्या मार्क्स, एमफिल के पॉइंट्स जुड़ेंगे, और फिर पीएचडी के पॉइंट जुड़ेंगे उनके, उन्होंने अगर जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं तो उनके पॉइंट जुड़ेंगे, उन्होंने सेमिनार अटेंड कर रखी है तो उनके पॉइंट जुड़ेंगे। तो उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के पॉइंट्स जोड़े जाते हैं, उनके इंटरव्यू के पॉइंट्स जोड़े जाते हैं, और उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यूनिवर्सिटी में जो है वो ऐसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो सकते हैं। इन दोनों में कुछ डिफरेंस और भी है, ये तो सिलेक्शन के बेसिस पे डिफरेंस था, उसके अलावा पोस्ट के बेसिस पे डिफरेंस होता है। यूनिवर्सिटी में जो है वो तीन पोस्ट होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर और होती है एसोसिएट प्रोफेसर और तीसरी होती है प्रोफेसर। ठीक है, लेकिन कॉलेज में केवल ये दो ही पोस्ट होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। हालांकि सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होता, सैलरी बराबर मिलती है, लेकिन यहां जो है एज ए एंट्री असिस्टेंट प्रोफेसर होती है, फिर प्रमोशन होकर एसोसिएट प्रोफेसर, थोड़ी सैलरी बढ़ जाती है, फिर एसोसिएट से जो है उनकी पोस्ट बढ़कर प्रोफेसर हो जाती है, सैलरी और बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि कॉलेजेस में केवल असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर तक ही रहते हैं, उसके बाद में प्रिंसिपल रैंक मिल जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके अलावा ये जो है कॉलेज में अगर आप लेक्चरर बनते हो तो आपकी जॉब जो है उसमें आपका ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर पॉसिबल है। जैसे मान लो अभी बीकानेर पोस्टेड हो तो आपको जयपुर भी भेजा जा सकता है, आपको चूरू भी भेजा जा सकता है। जबकि यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं वो पूरी लाइफ अपनी जॉब वहीं पर करते हैं। तो ये दो सिलेक्शन प्रोसीजर थे, किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेज में सीधे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप जो है एलिजिबल है तो उनकी वैकेंसी के बेसिस पे वो आपको रख सकते हैं। तो इसी बीच हम जारी कर देते हैं हमारे वीकली कॉम्पिटिशन के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जो स्टार परफॉर्मर है, उनके नाम। देखो, जो सेकेंड ईयर में हमने कंपटीशन करवाया था असाइनमेंट और नोट्स का, उसमें फर्स्ट जो आए हैं, जो असाइनमेंट सबसे ज्यादा अच्छा किया है वो है योगेश कंवर, और सेकेंड नंबर पर दो कैंडिडेट है जिनमें टाई हुआ है, एक है राखी और दूसरी है शैलजा ओझा, और तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट है वो है मल्लेश्वरी और तनुश्री, इनमें भी टाई हुआ है। तो ये था असाइनमेंट का रिजल्ट, और बेस्ट नोट्स में केवल एक ही नाम है, एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, बेस्ट नोट्स में जो है वो है शैलजा ओझा। ठीक है, तो ये था सेकंड ईयर का रिजल्ट। तो कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट या उनके जो एग्जाम है, आरपीएससी के एग्जाम या यूनिवर्सिटी के एग्जाम जो है उसको क्रैक करने के लिए ये जो है टिप्स दी गई है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो टिप्स क्या है? पहली टिप जो है वो ये है कि कीप पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब ये सोच के रखें कि आपका सिलेक्शन होगा, ये सोच के कभी एग्जाम ना दे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
या जैसे मैंने बताया कि नेट में 1% लोग ही सिलेक्ट होते हैं या 6% लोग ही सिलेक्ट होते हैं, तो वो दिमाग में ना रखे कि भाई हम तो उन 1% या 6% पे नहीं आते, हम आते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ठीक है, और अपना एप्टीट्यूड भी अच्छा रखें। एप्टीट्यूड का मतलब आपका इंटरेस्ट अगर है इस चीज में कि आप बनना चाहते हैं कॉलेज लेक्चरर, तो जरूर बनेंगे, ठीक है। तो अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड और एप्टीट्यूड अच्छा रखें अपना। मेक प्रॉपर नोट्स, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप जो है लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन से ही उनके नोट्स आप प्रॉपर बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको जो टॉपिक जो है, जैसे मान लो आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो मास्टर डिग्री में जो आपको सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जो बुक मिल पाना, टेक्स्ट बुक मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपने यूजी लेवल से अच्छे नोट्स बनाना की हैबिट डाल दी, तो एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वहां से, ठीक है, साथ ही साथ ये यूजी लेवल के ही टॉपिक एडवांस लेवल पर जाकर पीजी लेवल में होते हैं, तो वहां से आपको उन नोट्स की हेल्प से आपको जो है एमएससी में या जो अदर आपके जो मास्टर डिग्री है उनमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो नोट्स आप प्रॉपरली बनाए। मेक फॉर्मूला शीट, आप जैसे मैथ या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा जो मेन फोकस रहता है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल आते हैं, एप्लीकेशन बेस आते हैं, ठीक है, तो हमें हाथों हाथ फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। तो नोट्स तो प्रॉपर बनाए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखें, लेकिन साथ ही साथ एक फॉर्मूला शीट भी बनाते जाए, जिससे क्या होगा कि आपको वो फॉर्मूले भी याद होने लग जाएंगे, फॉर्मूले टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है, और उनको फटाफट आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो फॉर्मूला शीट बनाए, और अगर आप अदर सब्जेक्ट से हैं, मतलब साइंस के सब्जेक्ट से नहीं है, या साइंस में भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने नोट्स जो है वो काफी हैंडी बनाए, काफी छोटी बनाए नोट्स, कॉम्पैक्ट नोट्स बनाए, ठीक है, शॉर्ट हैंड में बनाए, भाई आप अपनी भाषा में बनाए, आपको समझ में आ जाए ऐसे बनाए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। उसके अलावा जो आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, पिछले साल के जो पेपर है, उनको आप गौर से देख लें, चाहे आप नेट के पेपर देखें, चाहे आप आरपीएससी के पेपर देखें, आप उनके पिछले साल के पेपर को पूरा अच्छे से देख लें, जिससे आपको उनका पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी उस लेवल पर आप कर सकते हैं। और लास्ट जो आपका सजेशन आपके लिए रहेगा वो रहेगा बी सेलेक्टिव, मतलब जब आप स्टडी कर रहे हैं तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई टॉपिक जो है बहुत हैवी हो जाता है, वो आप उस समय जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते, उसे अच्छे से नहीं पढ़ पाते, उसे अच्छे से समझ नहीं पाते, तो आप जो है कोई सिलेक्टेड टॉपिक ही चूज करें एग्जाम के दौरान, जो आप अच्छे से आप ग्रास्प कर पा रहे हैं, जिन पे आपकी अच्छी कमांड है, ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो 100% क्वेश्चन वहां पर अटेंड नहीं कर सकता, तो आप सिलेक्टिव जो है टॉपिक्स में उनको आप अच्छे से डीपली पढ़ लें, उनमें से क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी ना चुके, तो जिससे आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो टिप्स दी गई वो दी गई है यहाँ पर जो लूणकरन सर में जो कॉलेज लेक्चरर है, ओम प्रकाश जी स्वामी फिजिक्स के लेक्चरर है, उसके अलावा भुवनेश जी सुतार जो नोखा में लेक्चरर है, और तीसरे लेक्चर आपके सामने है अक्षय जोशी असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। तो हम तीनों ने जो है कंबाइनली जो है डिस्कस करके ये टिप्स आपके लिए तैयार की है, तो आप इन टिप्स को फॉलो करें, श्योरली आप जो है भविष्य में जो है कॉलेज लेक्चरर बनेंगे। गुड लक। फाइनल ईयर के कंपटीशन में जो असाइनमेंट का कंपटीशन था उसमें फर्स्ट नंबर पर जो है टाई हुआ है सुशीला कंवर और वैशालिका कंवर के बीच में, दोनों ही फर्स्ट आई है, और सेकंड नंबर पर है सोनू और थर्ड नंबर पर है हर्षिता आचार्य। फाइनल ईयर में ही बेस्ट नोट्स का जो अवार्ड जीता है वो है अनामिका, और उसके साथ में टाई हुई है कोमल बिस्सा, कोमल, ठीक है। तो ये थे आज के कंपटीशन के, इस वीक के कंपटीशन के रिजल्ट। आई होप कि आपको ये कंपटीशन भी अच्छा लगा और आपको आज का जो मैटर है वो भी अच्छा लगा। आप जो बाकी कैंडिडेट जो है वो निराश ना हो, वो अगले हफ्ते इस हफ्ते के लिए ट्राई करें और वो अब टॉप परफॉर्मर में आने की कोशिश करें। बेस्ट ऑफ लक।